अभी हम लोग रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं। ये नैरो गेज का रेलवे फाटक है जो नेरल से माथेरान तक चलती है। देखो ये साइड नेरल रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हमको जो मेन लाइन है मुंबई का जो, उसका वो ट्रैक क्रॉस करना पड़ेगा और दूसरे साइड हम लोग जाएंगे तो वो सगुना बाग और उल्लास रिवर का एक ब्रिज है वो साइड। देखो आगे रेलवे फाटक आया है जो मेन लाइन का है मुंबई कर्जत का। फिलहाल तो लोकल ट्रेन्स कम होने के कारण वो फाटक होगा तो भी वो जल्द से जल्द ओपन होगा। तो डुबलेली बैंक लोग अभी रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये सेंट्रल रेलवे की मुंबई कर्जत जो आगे पुणे को जाती है वो रेलवे लाइन है। एक्चुअली अभी हम लोग कर्जत नेरल ईस्ट को जा रहे हैं। यहाँ से आगे 4 किलोमीटर पे सगुना बाग है। ये मेरे राइट साइड में बोर्ड दिख रहा है वो एग्रो रिसोर्ट है। वहाँ वो रिसोर्ट में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करने को मिलती है। नेरल इसका ये एरिया भी बहुत डेवलप हो रहा है। आजू बाजू में बहुत से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये आपको दिख रहे होंगे। हम लोग नेरल के एरिया में, ये नेरल का ईस्ट एरिया है, हम लोग रहते वो नेरल का वेस्ट एरिया था। रेलवे ट्रैक क्रॉस करके हम लोग ईस्ट में आए। हम लोग अभी उल्लास नदी के नजदीक जा रहे हैं। वहाँ एक ब्रिज है वहाँ तक जाएंगे और वापस रिटर्न जाएंगे। ये एरिया भी बहुत ग्रीन है। देखो ये रोड आगे मुरबाड़ तक जाता है सीधा। ये स्टेट हाईवे है मुरबाड़ को कनेक्ट करता है ये नेरल को और कर्जत को। ये देखो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। आपण ब्रिज आहे आणि पुढे अजून एक हे देखो
ये उल्लास रिवर के ऊपर ब्रिज है, देखो यहाँ छोटे छोटे रिसोर्ट, और ये देखो स्विमिंग कर रहे हैं नीचे रिवर पे। आगे लेफ्ट साइड में गोपी रिसोर्ट है, रिवर को ही लग के है वो। यूटर्न लेके, हाँ यूटर्न लेके आगे ये रोड मुरबाड़ को जाता है। ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग अभी यूटर्न लेने करेंगे मोस्टली, क्या आगे ये रोड मुरबाड़ जाता है वो 88 किलोमीटर पे, लेकिन हमको वहाँ तो नहीं जाना है। ने यू टर्न ले चुके हैं हम लोग, और अभी रिटर्न जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 15-20 किलोमीटर्स आए, एक बीच में उल्लास नदी पे ब्रिज था, अभी हम लोग उधर अगर हमको रोकने को मिलता है, कुछ बाजू में गाड़ी लगाने के लिए कुछ मिलता है तो हम लोग उधर रुकेंगे थोड़े, नहीं तो सीधा नेरल जाएंगे। ये एरिया में ग्रीन है देखो पूरा, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ फार्म हाउस और रिसोर्ट बहुत है। पीछे मेरे भाई की बाड़ी भी आ रही है, वापस हमारे घर पे नेरल फेस में जा रहे हैं। और माथेरान के रोड के अगर जा सके तो हम लोग दस्तूरी या वो रोड घाट पे थोड़े ऊपर जुमापट्टी तक जाने की कोशिश करेंगे, अगर वहाँ रोक दिया जाता है तो हम लोग रिटर्न घर पे जाएंगे, या बाहर थोड़ा चाय पियेंगे अभी और घर पे जाएंगे, क्योंकि ये एरिया में ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोन 4 में होने के कारण बहुत से रिस्ट्रिक्शन है, तो ज़्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। ये मेरे लेफ्ट साइड में एक रिसोर्ट दिख रहे हैं, फार्म हाउस है। आदित्य फार्म हाउस है, आगे भी एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बंगला बंगलो है,
देखो आपको पिक्चर फ्रेम में आ रहा है तो साई कृपा निवास कांदिवले गांव है ये। एरिया में बहुत से फार्म हाउस है, सगुना बाग है और सबसे नंबर वन फार्म हाउस है यहाँ का चंद्रशेखर भड़सावले का। तो उल्लास नदी के रिवर के बाजू में ही लग के है और एक वहाँ उधर रिसोर्ट भी था गोपी रिसोर्ट, और गोपी रिसोर्ट के बाद सगुना बाग है नेरल से आते टाइम। सामने जो पिक्चर फ्रेम में पहाड़ आ रहे हैं वो माथेरान हिल्स के पहाड़ है, वो मेरे घर से नज़दीक है, यहाँ से थोड़ा दूर है। उल्लास नदी का ब्रिज आ चुका है, ये देखो आगे दिख रहा है। नाहीत से थांबवायला जागा, आगे ये रोड से बस भी जाती है। या इथे राईटला होता ते झाड असं मोठं तिने कापलेलं दिसतं। हे देखो उल्लास रिवर है, देखो अभी बारिश के कारण बहुत पानी है। अगर फुल फ्लो होगा वो टाइम ये बीच में आइलैंड से वो भी पानी में डूब जाते होंगे। देखो बीच में आइलैंड जैसा है, दोनों साइड में फ्लो है। हम लोग अभी उल्लास रिवर के नज़दीक मुरबाड़ रोड पे नेरल से नज़दीक 5 किलोमीटर पे है। पूरा ग्रीन एरिया है देखो। थोड़े हम लोग ने गाड़ी स्टॉप की है, वहाँ पीछे साइड जो रोड दिख रहा है वहाँ से हम लोग उल्लास नदी है वहाँ से आए हैं। पूरा एरिया ग्रीन है देखो। आगे वो ये देखो हम लोग अभी अनेरल आया के इस साइड में टुवर्ड्स उल्लास नगर एरिया में थोड़े घूमने गए थे। पूरा ग्रीन फील्ड है पूरा देखो, देखो पूरा ग्रीन एरिया देखो। और ये सामने पहाड़ जो दिख रहे हैं वो
सामने पहाड़ दिख रहा है वो पूरी तरह से माथेरान का पहाड़ है, जो मेरे घर से बहुत नज़दीक दिखते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़े लंबे हैं क्योंकि हम लोग 10-15 किलोमीटर दूसरे साइड में आ चुके हैं, इसके वजह से वो लंबे दिखते हैं। बहुत ही बढ़िया एरिया ही है और टोटली ग्रीन है, यहाँ फार्म हाउस और रिसोर्ट बहुत है, बहुत ही फार्म हाउस और रिसोर्ट है यहाँ। पूरा ग्रीन एरिया है, हम लोग 5 मिनट में अभी हम लोग निकलेंगे, आगे सोच रहे भीवपुरी के साइड में जाए। देखो टोटली ग्रीन एरिया, तुम्ही तिथे पुढे बसा बाबा, तिथे पुढे बसा आता चलो गाड़ी में। अभी तिथे पुढे बसू दे ना, काकूला इकडे येऊ दे। अरे मग त्यांना काढायचंय ना। नाही पाठी मागून नाही काढणार, येतो इकडे त्यांना।